स्वागत है आपको डीजे फोर्टीन क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन को प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं फोर टाइप्स के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसका? फ्रैक्शन का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एक दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डिफरेंस के थ्रू समझते हैं, टू मल्टीप्लाई टू और मोर फ्रैक्शन ऑल द न्यूमरेटर्स आर मल्टीपल टूगेदर टू गेट द न्यूमरेटर ऑफ द रिजल्टेंट एंड ऑल द डिनोमिनेटर्स आर मल्टीप्लाई टूगेदर टू गेट द डिनोमिनेटर ऑफ द रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो नंबर जो कि किसमें दे रखे, फ्रैक्शन में दे रखे हों, उसका न्यूमरेटर क्या कर देते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसका न्यूमरेटर क्या निकल के आता है, रिजल्टेंट न्यूमरेटर निकल के आता है। और डिनोमिनेटर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, डिनोमिनेटर में। मतलब क्या है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के संग करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के संग करते हैं। जैसे एक नंबर है हमारे पास, ये 2/3 मल्टीप्लाई 5/7। हमने क्या करा, सिंपली हमने कहा था न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं। तो 2 5 10 और 3 7 21, ये क्या हो गया, हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करा, तो किसमें आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब जैसे एक नंबर है हमारे पास कि एक कॉमन नंबर है और सेकंड है किसका, मिस फ्रैक्शन नंबर है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और सेकंड नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, थ्री है तो थ्री के हमारा न्यूमरेटर है और हम लोग क्या कर देंगे, अपॉन वन ऐड कर देंगे। तो वन का मतलब क्या, डिनोमिनेटर हो गया मल्टीप्लाई। अब ये 2 whole 1/5 है, तो हमें 2 whole 1/5 को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 2 10 प्लस 1 11 अपॉन 5, ठीक है। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 11 33 और 1 5 5। अब दोनों नंबर हमारे किसमें है, मिस्ड फ्रैक्शन में है। तो सिमिलरिटीज, पहले ऊपर भी हमने मिस फ्रैक्शन करा था, तो हमने क्या था, फ्रैक्शन में चेंज करा था। अब दोनों नंबर को क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जैसे 2 3 6 प्लस 1 7 और 3 एज इट इज कॉपी, और 3 2 6 प्लस 1 7 7.2, 7 7 49 और 3 2 6। इस तरीके से होता है मल्टीप्लाई कि कोई भी नंबर हो, हमें क्या करना है, उसको मिस्ड में है तो पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अगर वो फ्रैक्शन में है तो सिंपली कर लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम देखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इन डिफरेंस थ्रू समझते हैं, इन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। मतलब क्या है, डिवीजन में क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम इंटरचेंज करते हैं, किससे इंटरचेंज करते हैं, उसकी पोजीशन किससे, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर। मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। ऑफ द फ्रैक्शन विच आर डिवाइडिंग एंड देन मल्टीप्लाई ऑल द फ्रैक्शन, वो किसमें था, डिवीजन में था, तो अब वो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये समझते हैं, एक एग्जाम्पल है 1/4 / 1/3। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1/4 का डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड की जगह ऐड करेंगे अब मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड की जगह हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे। और जो लास्ट की डेट थी 1/3, हमने क्या देखा था कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। तो हमने क्या करा, न्यूमिनेटर को बना दिया डिनोमिनेटर, मतलब कि 1 को हमने बना दिया डिनोमिनेटर और 3 को हमने बना दिया न्यूमिनेटर। तो 1/3 का होगा 3/1, रेजिटिस क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 3 3 और 4 1 4। एक एग्जाम्पल और है जो कि इसमें मिस्ड फ्रैक्शन में, आइए इसको देखते हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले हमें करना होगा फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, सबसे पहले हमें इसे किसमें चेंज करना होगा, फ्रैक्शन में। तो 2 8 16 16 3 19 19/8 डिवाइड में था, इसलिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। या अभी इसको डिवाइड में हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 2 4 8 8 2 10। अब क्या होगा, 10/4 हम ऐड नहीं करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे, 4/10 ऐड करेंगे। हम लोग क्या ऐड करेंगे, 4/10 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करा हमने, कैसे ऐड करा, जैसे देखिए क्या हुआ था, हमने इसका सिंपली एक ले लिया प्रोसीजर। जैसे अब ऐसे ऐड कर सकते, 19/8 है, हम लोग सपोज ऐड करते 19/8, अब डिवाइड का साइन था तो डिवाइड का साइन ऐड करते। अब 2 4 8 8 2 10, 10/4 हो गया। लेकिन हमें क्या करना होता है, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन ले जाके और लास्ट डिजिट को रिस्पोल कर देना होता है, मतलब इंटरचेंज कर देना होता है। तो 19/8 हमने ऐड करा, डिवाइड था हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, और 10/4 को इसमें चेंज कर दिया, 4/10 में चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया हमने, 4 अपॉन
10 में चेंज कर दिया उसको, तो 19 फोर जा 76 और 8 टेन जा 80, सिंपली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें हमने क्या सीखा था, फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, और टाइप्स हमने आज की वीडियो में सीखे हैं सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, प्रीवियस वीडियोस में थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आपको इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।